हेलो दोस्तों, क्या आप भी गर्मी की वजह से मेरी तरह परेशान हो रहे हैं? क्या आप भी गर्मी की छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं या कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 10 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल जहाँ आप गर्मी की छुट्टियाँ मनाने या घूमने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम और चिलचिलाती धूप हर किसी को पसंद नहीं होता, इसलिए हम सोचते हैं कि काश ऐसी जगह चले जाएं जहां गर्मी का दर्शन तक ना हो। तो आइए बात करते हैं भारत के 10 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। नंबर एक पे है मनाली। मनाली भारत का एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। यह गर्मियों में सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाली जगहों में से एक है, जहाँ का तापमान गर्मियों में 2 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता है। यहाँ पे आप कई ऐसी गतिविधियों का मज़ा भी उठा सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसे मज़े का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर दो पे है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में लोग शिमला घूमने आते हैं। इस गर्मी के मौसम में यदि आप भी पहाड़ियों और बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप शिमला जा सकते हैं। नंबर तीन पे है लद्दाख। काराकोरम और हिमालय पर्वत के बीच बसा भारत का बहुत ही खूबसूरत स्थान लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है। लद्दाख सभी टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। आप इन गर्मियों में इस खूबसूरत पहाड़ी का आनंद ले सकते हैं। नंबर चार पे है कश्मीर। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी भारत की सबसे सुंदर जगह है। यहाँ लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ सालों भर बर्फ पड़ती है। कश्मीर की सुंदर सुंदर झीलें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह अपने प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। नंबर पाँच पे मसूरी। भारत के उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों के बीच पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग खासकर गर्मियों के मौसम में यहाँ घूमने आते हैं। यह एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग गर्मी की छुट्टियाँ का आनंद लेने आते हैं। नंबर छः पे है नैनीताल। उत्तराखंड में नैनीताल एक हिल स्टेशन है, जो ब्रिटिश काल से काफ़ी प्रसिद्ध है। गर्मियों के मौसम में आप यहां घूमने जा सकते हैं। यहां काफ़ी खूबसूरत झीलें हैं। हर झील का अपना रूप, रंग और आकार है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां गर्मियों में काफ़ी सुहावना मौसम रहता है। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए और अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं। नंबर सात पे है दार्जिलिंग। भारत के प्रसिद्ध बंगाल में स्थित हिल स्टेशन दार्जिलिंग सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ के चाय बागान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। यदि आप इस गर्मी के मौसम में घूमने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं तो एक बार यहाँ के चाय बागान जरूर जाएं। आप यहाँ से माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का दर्शन कर सकते हैं। नंबर आठ पे है चोपता। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आपको कई ऐसे स्थल मिल जाएंगे जो आपको अपनी ओर पहली ही नज़र में आकर्षित करती है। चोपता उन्हीं में से एक है। चोपता में हर मौसम में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। गर्मियों में तो यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नंबर नौ पे है औली। औली भारत के चमौली उत्तराखंड में स्थित है। गर्मियों के मौसम में यहाँ आपको हरे भरे बुगदाल और बर्फ से भरी पहाड़ियाँ, देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए औली भी अच्छा हिल स्टेशन हो सकता है। नंबर 10 पे है शिलोंग।
मेघालय की राजधानी शिलांग भारत का उत्तर पूर्वी शहर है, जिसे मेघालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। शिलांग में आपको विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं, पहाड़ियां, झरने, झीलें देखने को मिल जाएंगी। यदि आप शिलांग जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप गर्मियों में यहाँ ज़रूर जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।